कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया है देश का हाल। उन्होंने ये बात बढ़ती बेरोजगारी पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कही है। इस आर्टिकल के मुताबिक सरकारी जॉब पोर्टल पर एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने सरकार से नीट और जेईई को लेकर छात्रों की बात सुनने और समाधान निकालने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं, नीट जी परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण देश में छाए आर्थिक संकट के बीच भारतीय युवा कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दो देशव्यापी आंदोलन चला रही है। इस आंदोलन का मकसद बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद करना है। IYC के प्रमुख श्रीनिवास पीबी का कहना है कि देश में 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हर रोज कोई न कोई युवा आत्महत्या कर रहा है और यह दुखद है कि केंद्र सरकार युवाओं की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि यह सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई थी। इस हिसाब से बीते 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इसके विपरीत कोविड-19 से लड़ने में कुप्रबंधन के कारण अब तक कम से कम 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है।